तो आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले। दोस्तों आज हम कैबिनेट के बारे में बात करने वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं कैबिनेट रखा हुआ है। मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल दूंगा, बताऊंगा कि इस कैबिनेट को क्या बोलते हैं, उसका कहां से परचेस कर सकते हैं। मैं आपको जो बनाता है उसका नंबर दूंगा, इस कैबिनेट की थोड़ी डिटेल भी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा, वीडियो काफ़ी आपका काम का होने वाला है। चैनल पर अगर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि साउंड और आइसोलेटेड कई अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं डीजे स्टैंडिंग इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा कैबिनेट जिसके ऊपर आज का हमारा वीडियो है। मैं पहले कैबिनेट का नाम बताता हूँ। इस कैबिनेट को बोलते हैं दोस्तों प्लाज्मा, और ये बेस का कैबिनेट आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें, इसको दोस्तों प्लाज्मा इसमें बोलते हैं, क्योंकि इसमें चार स्पीकर लगते हैं। जो दो स्पीकर वाले होता है वो होता है हमारा डुअल, इसमें चार स्पीकर है इसलिए ये प्लाज्मा, ये अलग होता है सिंगल, डुअल और प्लाज्मा, ये तीनों अलग होते हैं। तो मैं आज इसको बताता हूँ, इसको प्लाज्मा बेस बोलते हैं। और इसमें आप जैसे देख सकते हैं जो चार हमको दे रखे हैं ऑप्शन, इसके अंदर हमारे स्पीकर लगते हैं जो सेक्शन दे रखे हैं इनके अंदर। दोस्तों ये 18 इंच वाले सेक्शन है इसमें, ये जो प्लाज्मा ये 18 इंच का, इसमें 18 इंच का स्पीकर एक यहाँ लगेगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, चार स्पीकर्स में लगेंगे 18 इंच के। और फिर आप कौन से वॉट का लाते हैं वो भी डिपेंड करता है, फिर अगर ज़्यादा वॉट करे तो फिर कैबिनेट भी हैवी बनता है। अब मैं थोड़ी इसके कैबिनेट की आपको डिटेल दूँ, तो दोस्तों ये जो बना है इसमें जो प्लाई यूज़ हुई है वो है मरीन प्लाई। मरीन प्लाई काफ़ी अच्छी आती है दोस्तों, मरीन के बाद अगर आपको अच्छी कोई सी चाहिए तो फिर सिर्फ बर्च प्लाई आती है जो उससे बेटर आती है। बाकी बर्च से पहले अगर यूज़ करना है तो मरीन यूज़ कर सकते हैं, मरीन प्लाई काफ़ी अच्छी आती है। प्लाई का जो इसमें गेज यूज़ हुआ है वो है 19 mm का यूज़ हुआ है दोस्तों। अगर आपको स्पीकर इसमें हैवी डालना है तो फिर आपको जो कैबिनेट का प्लाई है दोस्तों वो भी फिर हैवी बनेगा, क्योंकि स्पीकर का पंच जब लगता है तो कैबिनेट पर असर पड़ता है उसका। तो इसके जैसे कि आपको बता ही रहा हूँ इसमें चार स्पीकर लगते हैं, इसके कारण ये कैबिनेट को बहुत हैवी बनाना पड़ता है। इवन इसका वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी ये खाली डब्बा है, खाली कैबिनेट है ये, और अभी बहुत भारी, अभी इसमें स्पीकर लगना बाकी है। तो जैसे कि अगर आपकी कोई डीजे की गाड़ी है तो आप इसको इसमें एक बार रख देते हैं तो फिर बार बार निकालने का काम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है। इसको हम लाने ले जाने ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि अभी इसमें स्पीकर भी डालेंगे और चार स्पीकर डालेंगे हमसे, एक डुअल का ही वेट जब डालते हैं तो वेट्स का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें चार स्पीकर डालेंगे तो उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये इसमें हमारे चार स्पीकर डालेंगे, इनकी वायरिंग अंदर ही होगी दोस्तों। और ये जो चलेंगे इसको या तो आप चाहो तो 4 ohms पे भी चला सकते हो, बाकी 2 ohms पे भी चल जाएगा, पर 2 ohms पे फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको प्रीफर करूँ अगर ये भी यूज़ कर रहे हो इनको 4 ohm पे यूज़ करो, पीछे से 2 speaker निकालो। इसमें पीछे जो ऑप्शन दे रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक साइड भी इधर, बैक साइड में इधर ऑप्शन दे रखा है, उधर दिख नहीं रहा अभी अंधेरे में। उसमें आप 2 speaker के ऑप्शन दीजिए, इसमें 2 speaker इसमें और 2 speaker, 1 speaker इसमें और 1 speaker इसके लिए, तो आपका एक एम्पलीफायर पूरा एक कैबिनेट पर यूज़ हो जाएगा। अब मैं आगे बात करूँ तो दोस्तों इसका जो कलर जो क्वालिटी है, कलर की क्वालिटी है, देखें मैं आपको फोकस करके बताता हूँ। ये देखिए ये कलर जो क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी अच्छा है। ये देखें मैं रगड़ भी रहा हूँ, नाखून से तो निकल नहीं रहा, ये मेरा नाखून भी बड़े देखो फिर भी नहीं निकल रहा ये। तो कलर भी काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है इस पर, पूरे पे यूज़ हुआ है दोस्तों। कैबिनेट की क्वालिटी की अगर बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अभी ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये ऐसा दिख रहा है, अभी अंदर भी फिनिशिंग बची है, अभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ, ऐसे अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी इसका कलरिंग और होगा तो ये दोस्तों जैसा बाहर है थोड़ा अंदर भी अच्छी फिनिशिंग आएगी पूरी, इसे ऐसा टेक्सचर तो नहीं आएगा लेकिन अंदर भी अभी बाकी है कलरिंग करना। जैसे देख सकते हैं अंदर पूरी हो चुकी है लेकिन अभी ये बाहर भी पूरा कलर होगा इसमें। और फिर इसकी ग्रिल लगे, ग्रिल माने बोले तो जाली दोस्तों, इसमें जाली 2 parts में लगेगी। आप चाहे तो सिंगल भी लगवा सकते हैं पर 2 parts में जाली लगाना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक आधी स्पीकर इनमें से कोई भी डैमेज होता है, जल जाता है, कॉइल जल जाती है, तो आपको एक ही स्पीकर निकालने, एक ही जाली निकालोगे तो आपका काम हो जाएगा, वरना आपको सारी जालियों के नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे। तो इसमें अच्छा ये रहेगा कि हम एक ही जाली खोलें और हमारे एक ही निकाले स्पीकर। तो दोस्तों प्लाज्मा बेस का फ़ायदा ये रहता है कि ये एक ही कैबिनेट में 4 speaker हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका पंच काफ़ी हैवी आता है क्योंकि एरिया जो है वो एक ही हो जाता है इसमें, और सारा जो स्पीकर का जो भी फोर्स है वो एक साथ आता है। अब जो कैबिनेट का टाइप बना आपने देखा होगा फ्रंट नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा 8028 टाइप का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें स्पीकर यहाँ लगेगा, इसका फ्रंट फेस स्पीकर का यहाँ पर रहेगा, और इधर एयर जो पासिंग है वो स्पीकर का यहाँ से प्रेशर जाएगा और एयर पास पीछे से घूम के यहाँ से निकलेगा, उसका वहाँ से निकलेगा और इनका उधर से निकलेगा और इसका भी उधर से निकलेगा। तो चारों का जो स्पीकर का जो एयर पासिंग है वो बीच में से दिया हुआ है। तो दोस्तों जो प्रेशर रहेगा काफ़ी हैवी रहेगा। दोस्तों ये तो हो गई थोड़ी डिटेल, मैं जिस फैक्ट्री में है उस फैक्ट्री के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ और यहाँ पे कौन कौन से कैबिनेट बनते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सारे कैबिनेट। दोस्तों मैं खा
आज आपको एक प्लाज्मा बेस का जो कैबिनेट आप जैसे देख पा रहे हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई थी। मैं कैबिनेट फैक्ट्री में आया हुआ हूँ, तो हुआ तो मैं आ गया आज आपको उसके, मतलब आने वाली वीडियोस में आपको उसके यहाँ की कंपनी के जो फैक्ट्री यहाँ के और भी कैबिनेट्स बताऊंगा। अब मैं अगर इस कैबिनेट की बात करूँ दोस्तों, इसका प्राइस जो पड़ेगा आपको पड़ेगा 25,000 से 30,000 मैक्सिमम हो गया, 30,000 से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपको परचेस करना है और प्राइस भी कंफर्म करना है तो मैं आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप इस पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नाम डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा दे दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिए, मैं पूरी डिटेल दे दूँगा जहाँ पे बनता है। उनका एड्रेस भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका कहाँ है हुआ, तो जो भी पॉसिबल डिटेल्स मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो हमारा आज का यही था, छोटा सा वीडियो था पर काफ़ी काम का था, क्योंकि काफ़ी जो डीजे वाले मेरे भाई है वो उनको प्लाज्मा बेस के बारे में जानना था, तो मैंने आज प्लाज्मा बेस भी बता दिया, क्योंकि मैंने कैबिनेट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि कैसे कैसे कैबिनेट आते हैं बेस के, तो आप चाहे तो जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैंने इसमें अलग अलग टाइप के कैबिनेट्स बताए हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्लाज्मा कैबिनेट है आज जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन था कि प्लाज्मा प्लाज्मा बोलते हैं, फोर वे भी बोलते कुछ लोग, पर उसको वो सही मतलब में होता है प्लाज्मा बेस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा है मेरे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा अगर लगा हो तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साउंड और ऐसे रिलेटेड के अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। तो दिस इज मी विशाल साइनिंग ऑफ।